काइनेमेटिक्स एंड टू इन टू डायमेंशन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने बताया था, बट उसमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन नहीं फाइंड किया था। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ, एक बार हमें याद है 2020 में पूछा गया था, 2012 में सॉरी। तो कभी कभी पूछा जाता है, अदरवाइज रेयर केस में पूछा ही नहीं जाता, वो भी आर करके पूछ लिया जाता है। बट जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, ये लिख लो 99% चांस है आपके पेपर में आने का। क्या फिक्स है आना, लिख लो। ये 100% तो नहीं बोल सकते भाई, पेपर तो देखे नहीं है, बट 99% करें आप, लिख के नोट करके रख लो। इसमें से आपको रेडियल या फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। हम फाइंड इसमें करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, एक तो रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी, फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये टोटल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप पूरा का पूरा नंबर पा पाएंगे। अदरवाइज आपसे कोई भी वीडियो थोड़ा सा भी टॉपिक छूटा तो आप समझने के लिए नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप पूरा नंबर नहीं पा सकते। जरूरी नहीं है कि पूरा पूछा जाए कि इन ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सो द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसा भी नहीं पूछा जा सकता। पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि टोटल पूछा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पूछ लिया, या रेडियल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के बारे में पूछ लिया, तो वो आपको बताना होता है, या रेडियल वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी के ही बारे में पूछ लिया। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो आप टोटल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है और आपके फिक्स है एग्जाम में आना, तो ये इसको नोट कर लीजिए। हेड डालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछला वीडियो ना देखे हो जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बताया था, देखिए जो सिस्टम होते हैं वो तीन होते हैं, जो सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहले तो हम कार्टेशियन बता देते हैं, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, सिस्टम चार होते हैं। एक हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम एक्स कमा किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कमा वाई से, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कामा थीटा से, ये आर कामा थीटा वाला रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं पेडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट होगा हम बताएंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पी कामा आर के बारे में। एंड लास्ट हमारा आता है कौन सा, इंट्रेंसिक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक। नोट कर लिए हैं आर कामा थीटा में, टोटल बात करेंगे इसी के बारे में, ठीक। तो इसमें हेडिंग लगा लेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये टोटल हमारी हेडिंग है। मैक्सिमम बार ये भी पूछा जा चुका है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रेडियल वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी, रेडियल एक्सीलरेशन दिखाना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन दिखाना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम इसमें, फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी। पहले आप फिगर बना लीजिए, फिगर समझ लीजिए, उसके बाद हम कुछ करते हैं। फिगर हमारा कुछ ऐसा है, एक हमने लिया है एक्स एक्सिस में, ठीक। ये कोई हमारा कर्व है, यहां पर हमने पॉइंट लिया है क्या पी,
और यहां पर हमने लिया है क्यू, इसको ज्वाइन कर दीजिए पी और क्यू को, ज्वाइन कर दिया। अब क्या किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए। अब क्यों आगे बढ़ाए, उसको अभी लिखा जा रहा है। अब सिंपल सा तरीका है, पहले हम इसको क्या किए हैं, एक टेंजेंट ड्रा किए हैं, उसके बाद इस पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दिए हैं, ये परपेंडिकुलर, उसके बाद इस पर क्या खींचा गया, एक टेंजेंट भी खींचा गया है, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट भी खींचा गया है। ठीक, इस पॉइंट के ऊपर क्या किया गया, टेंजेंट खींचा गया, क्यू पॉइंट पर है, ध्यान से समझिएगा, पी पॉइंट पर आर कामा थीटा होगा, इसको मान लेते हैं हम ई एन पॉइंट है, ये हमारा ओ होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, ये हमने माना क्या, आर, यहां से लेकर ओ से लेकर इस पॉइंट पी तक क्या माना हमने, आर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा क्या होता है, डेल थीटा, जो इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, ये थीटा है तो ये डेल थीटा है, तो ये आर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल आर, समझ पा रहे हो, आर प्लस डेल आर। यहां पर लिखेंगे आर इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ थीटा, आर जो है थीटा का एक फंक्शन ही है, और क्यू पॉइंट पर क्या लिखेंगे, पी पर आर कामा थीटा है, बट जब ये थीटा से डेल थीटा पर चेंज हो गया तो ये टोटल क्या हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा, ये समझोगे ना, थीटा प्लस डेल थीटा, और ये आर से किसमें चला गया, आर प्लस डेल आर, तो टोटल हमारा एंगल कितना आ गया, थीटा प्लस डेल थीटा, और ये आर फंक्शन जो है हमारा आर प्लस डेल आर आ गया, तो आर की जगह क्या लिख देंगे, आर प्लस डेल आर कामा थीटा, जगह क्या लिखेंगे, थीटा प्लस डेल थीटा, क्योंकि इस पॉइंट पर ले रहे तो टोटल हमारा एंगल आएगा ना, इस पर ले रहे थे आर था थीटा था इसलिए हमने लिखा, अब इस पॉइंट पर ले रहे हो टोटल हमारा एंगल आएगा, जब टोटल एंगल आएगा तो क्या लिखोगे, थीटा प्लस डेल थीटा, और इधर आर प्लस डेल आर हमने पहले से ही लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर होता है, ये हमारा इनिशियल लाइन बोली जाती है, आप समझते हो, इनिशियल लाइन। यहां पर दिखा देंगे ओ एक्स इक्वल टू पोल, ओ एक्स हमारा क्या है, पोल है, आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर, आगे थीटा इक्वल टू वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल, जो यहां आ रहा है यहां पर थीटा है वो क्या है, एक वेक्टोरियल एंगल है, नोट कर लीजिए। ठीक, लिखेंगे लेट, अभी हेडिंग मत डालिए, लेट पीक आर कामा थीटा, पहले मान लीजिए जो जो लिखे हैं, पी आर कामा थीटा एंड क्यू, वो तो लिखना तो पड़ेगा, आर प्लस थीटा जो लिखने का तरीका है, सॉरी आर प्लस डेल आर कामा थीटा प्लस डेल थीटा, बी टू है, दो ऐसे पोजीशन है, बी टू पोजीशन ऑफ अ मूविंग, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी, मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम, किसी टाइम टी पर, इसका पी और क्यू जो है क्या है, दो पोजीशन है, समझ पाए यहां तक, एट एनी टाइम टी, एंड टी प्लस डेल टी, एंड टी प्लस डेल टी, इसका कहने का मतलब है टी टी टाइम पर ये पॉइंट पी है और टी प्लस डेल टी पॉइंट पर ये क्या हो जा रहा है, क्यू है, समझ पा रहे हैं यहां तक। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, अभी वेलोसिटी के बारे में बात करें, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हमारा रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दूसरा ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पहला डालेंगे, अगर रेडियल वेलोसिटी दे दिया तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो कंपोनेंट ही है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोले या फिर रेडियल वेलोसिटी बोले, एक ही चीज है, पहला हमारा डालेंगे रेडियल वेलोसिटी,
दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, या ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो इसमें से फर्स्ट हमारी जो हेडिंग रहेगी रेडियल वेलोसिटी के बारे में सबसे पढ़ते पहले पढ़ते हैं। रेडियल वेलोसिटी ये क्या होता है सब कुछ जानेंगे रेडियल वेलोसिटी के बारे में। तो रेडियल वेलोसिटी में लिखेंगे रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, समझेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल, अगर समझ जाएंगे ना एकदम सिंपल है। तो ये जो रेडियल वेलोसिटी होगा यहां पर लिखेंगे रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट q टेंस टू p, जो q होगा ये q पॉइंट q वो किसके बराबर अगर है हमारा p के बराबर है, तो लिखेंगे चेंज इन पोजीशन जनरली आप जानते हो वेलोसिटी जो निकलती है पोजीशन में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो निकलता है, तो वैसे ही लिखेंगे चेंज इन पोजीशन अलोंग द रेडियस वेक्टर, थोड़ा सा डिफरेंट किया है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम लिखते हो या फिर चेंज इन पोजीशन अलोंग द रेडियस वेक्टर, अलोंग द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के अलोंग जो पोजीशन में चेंज है, रेडियस वेक्टर हमारा आर प्लस डेल आर और आर है, इसके बीच में जो हमारा पोजीशन चेंज है और अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ये फार्मूला है याद करिएगा इसको। ठीक, अब फार्मूले में पुट कीजिए, क्या निकला हमारा रेडियल वेलोसिटी लिमिट क्यू टेंस टू पी। अब यहां पर देखेंगे क्यू टेंस टू पी जब होगा क्या रखोगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यों रखोगे आप देखना ध्यान से, पी पर हमारा क्या है टाइम टी है, क्यू पर क्या है टी प्लस डेल्टी है, यही कुछ है। अगर हम क्यू जो है पी के बराबर कब होगा, Q बराबर P कब होगा, जब आप डेल्टा T इक्वल टू जीरो रखोगे, जब डेल्टा T जीरो रख दो तो ये भी T आ गया, P पर भी T आ गया, तो दोनों बराबर हो गए, डेल्टा T टेंस टू जीरो, यही किया गया है। तो अगर डेल्टा T चेंज जीरो हो मतलब पॉइंट हमारा Q तो पहुंचेगा नहीं, पॉइंट P पर ही रहेगा। अब हम निकालेंगे चेंज इन पोजिशन अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर, पहले हमारा पोजिशन फाइनल पोजिशन क्या था, माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन क्या हमारा R प्लस डेल R माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है स्मॉल R। चेंज इन टाइम, टाइम में क्या चेंज है, पहले हमारा था T प्लस डेल T जब यहां पर पोजीशन था हमारा, अब बाद में इनिशियल टाइम T, ये R से R कट गया T से T कट गया, क्या बचा हमारा लिमिट डेल T टेंस टू जीरो डेल R अपॉन डेल T। यहां तक सबको समझ में आया, यही हमारा बचता है। हम जानते हैं जब लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल अपॉन डेल्टी लिखता है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, तो इसे लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी, या फिर इसको लिख देते हैं आर डॉट, क्या लिख देते हैं आर डॉट, नोट कर लीजिए। ये हमारा रेडियल वेलोसिटी आएगा, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या निकला हमारा आर डॉट। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन करना चाहे तो तब भी हम कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस यहीं तक रहने दीजिए। वैल्यू याद रखिएगा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, अभी ये हटा सकते हैं हम, हटा दें इसको, हटाए, चलिए दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, वैल्यू याद रखिए क्योंकि अभी हम रिजल्टेंट भी निकालेंगे इसका। अब डालेंगे ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ठीक वीई आर रहता है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, लिख लेंगे इट इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के क्या होगा ये,
परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो हमारा ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब हम लिखेंगे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, लिमिट क्यू टेंस टू पी, क्यू टेंस टू पी, चेंज इन पोजीशन, ऊपर लिखेंगे क्या, चेंज इन पोजीशन, सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, वो क्या था हमारा, चेंज इन पोजीशन टू द अलोंग द रेडियस वेक्टर था, अब की बार ये परपेंडिकुलर होता है, जो हमारा ट्रांसवर्सल होता है, याद कर लीजिए, चेंज इन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द, पिछले वाले में अलोंग था, टू द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट क्यू टेंस टू पी, चेंज इन पोजीशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये क्या होगा, क्यू से एन तक क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा ऊपर, क्यू एन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में कहां कहां तक चेंज हुआ, डेल्टी, अरे भाई पहले टाइम टी था, ये एट टाइम, एट टी, ये क्या है, एट टी प्लस डेल टी, पहले टी था, टी से टी प्लस डेल टी, मतलब चेंज जो होगा डेल टी चेंज होगा डेल टी, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट क्यू टेंस टू पी, क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू बताइए, क्यू एन यहां से निकल जाएगा हमारा आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, यहाँ पर डेल टी टेंस टू जीरो लिख लीजिए, क्या होगा डेल टी टेंस टू जीरो, ये हमने पहले ही आपको बता दिया ना, अब यही नहीं समझ पाओगे क्यू एन की वैल्यू ऐसा कैसे निकला, जो क्यू एन है ये आर प्लस डेल आर का क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और ये इस वाले लाइन पर क्या खींचा गया, परपेंडिकुलर, अगर इसके हम डायरेक्शन की बात की, जैसे आर प्लस डेल आर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन होता है, डेल थीटा तो हमारा है, तो साइन अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा निकलेगा, अलोंग वाला कॉस थीटा निकलता है, कुछ ऐसा ही तो होता है, ये जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान लीजिए ये थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाता है और ये साइन थीटा, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, आगे समझेंगे इसका क्या हुआ, लिखेंगे व्हेन जब क्यू टेंस टू पी कामा डेल टी टेंस टू जीरो, तो डेल थीटा भी क्या हो जाएगा, जब क्यू हमारा पी पर चला आएगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो टी से हमारा डेल टी टाइम तक गया तो वो भी तो हमारा जीरो, मतलब डेल टी वैल्यू भी नहीं रखी जाएगी, डेल टी भी जीरो, और ये हमारा डेल थीटा भी तो जीरो आ गया, यहां से क्यू वाला उठा के ले जाइए पी पर रख दीजिए, कोई पैरल लाइन हो गई और एक के ऊपर एक हो गई, कोई लाइन कोई सॉरी कोई एंगल बना नहीं बना, डेल थीटा इक्वल टू जीरो, देन अगर तब निकालें, देन साइन डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन जीरो बराबर, मतलब जीरो, साइन डेल थीटा की वैल्यू जीरो, टोटल हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, सॉरी यहां पर वैल्यू नहीं पुट करनी है, ये आपको कंडीशन बताई जा रही है, देन डेल साइन डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल थीटा ओनली वन, तब आप पुट कर दोगे इसमें क्या बचेगा हमारा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल आर है, लिख लो आर प्लस डेल आर, साइन डेल थीटा जहां क्या लिखोगे, डेल थीटा डिवाइड बाय क्या बचा हमारा, डेल टी, ये तो बचा डिवाइड बाय डेल टी, समझ गए यहां से, इक्वल टू जीरो नहीं है जी, टेंस टू जीरो है, यहां समझिएगा, डेल टी टेंस टू जीरो हमने रखा है, यहां तक सबको समझ में आता है, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, देखो यहां तक मल्टीप्लाई करा दो, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई कराओ, डेल थीटा डेल आर अपॉन डेल टी, ये निकला हमारा ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, अभी पूरे वैल्यू नहीं निकली है, अब आगे लिखेंगे
सिंस दो के दोनों वैल्यू एकदम स्मॉल है तो स्मॉल स्मॉल का मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल, जैसे मान लीजिए 0.02 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 0.01 करें, दोनों बहुत स्मॉल वैल्यू है, मल्टीप्लाई कराओगे 0.0002 बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा। तो यही कारण इसमें भी आया कि बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। लिख लेंगे सिंस डेल थीटा एंड डेल आर इज वेरी स्मॉल, सो स्मॉल इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी सो दियर मल्टीप्लीकेशन आर वेरी स्मॉल taking neglect, इसे neglect लेने पर, मतलब ये क्या हो जाएगा, neglect कर दो। बचा क्या हमारा transversal velocity t velocity लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा velocity equal to, सिर्फ इतना बचा limit del t tends to zero r del theta upon del t, r डेल थीटा पान डेल टी। जब इस प्रकार होता है कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो आर डेल थीटा बाई डेल टी, तो डेल की वैल्यू हट जाती है, क्या बचेगा आर डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या लिखोगे आर इंटू थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्सल वेलोसिटी बची, वर्सल वेलोसिटी, ये ट्रांसवर्सल वेलोसिटी आ गया r theta dot, ठीक। हम अगर हम यहां से निकालें क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या निकालोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, तब हमारी क्या आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगा, हम जानते हैं अंडर रूट में क्या होता है रेडियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। रेडियल वेलोसिटी क्या लिए थे आर डॉट था, आर डॉट का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिए यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। फटाफट से डाउन कर लीजिए, उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई प्रॉब्लम। अगर हम इसमें रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन भी कराने लगे तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, नोट कीजिए पहले जल्दी इसको, जब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी आप लोग थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगते हो, इसलिए हम सोचते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाएं। तो ये वाला समझ में आ गया बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला जो हम लाएंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के बारे में, वो अगला वीडियो इंड स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। आज के लिए वैसे नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, फटाफट से मिला लीजिए।